अच्छा आजकल ना व्हाटएवर यू से द मोमेंट यू ओपन इंस्टाग्राम कोई ना कोई नाच रहा होता है, या तो वो नाच मेरी रानी चल रहा होता है या एनीवेज द पॉइंट इज अगर आप भी डांस करने के मूड में हैं तो हो जाइए तैयार, क्योंकि हमारे अक्षरा और अभिमन्यु नशे में धुत डांस करें। ना 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 बिफोर यू गेट एनी रॉन्ग आइडियाज, ये प्यार का नशा है, इंजॉय कीजिए। अभिमन्यु और अक्षरा आज सब कुछ भुलाकर बस एक दूजे में खो जाएंगे। वो क्या है ना, जब ये होश में होते हैं तब तो इन्हें दुनियादारी की चिंता होती है, लेकिन आज ये दोनों होश में नहीं है, इसीलिए खुद के लिए वक्त निकालेंगे, खुद से प्यार करेंगे और करेंगे ढेर सारी मस्ती। कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत भर जाते हैं और उसके बाद एक मौका मिलता है, आदमी लेट गो कर देता है और उसके बाद फिर हंसता गाता, एक बोलते हैं ना पूरे डिफिकल्ट सी लाइफ में से थोड़ा सा खुशियों के, थोड़े से सुकून के, ऐसे चैन सुकून के, मन के पल जी लेता है उस तरीके का मजेदार सीक्वेंस है। और आपको बता दे कि ये बिल्कुल भी सपना नहीं है बल्कि एकदम हकीकत में है, जहाँ पर इन्हें वक्त मिला है एक दूसरे की बाहों में खो जाने का। तो भाई देर क्यों करना है, चलिए ना शुरू करते हैं वो वाला गाना जो शायद अभिमन्यु के दिल में कब से बचता होगा, लेकिन अक्षरा के साथ उस गाने पर रोमांस करने का मौका अभिमन्यु को आज मिला है। और वो भी ये ड्रीम सीक्वेंस नहीं है गाइस, हैं? नहीं है? नहीं नहीं है, रियलिटी है। प्यार, इट्स लव, इट्स प्योर लव। कैसे कैसे, मतलब देख लो अब तो, डिड यू सी द अदर साइड ऑफ मी, इट्स अमेजिंग। देखने के बाद पता चलेगा। अक्षरा और अभिमन्यु एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां पर इन्हें समय गुजारना पड़ रहा है, ठंड का महीना है और उस ठंड में इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक समझकर एक कुछ और ही पी लिया है। फिर क्या नशा चढ़ा कुछ ऐसा कि ये दोनों प्यार की भाषा बोलने लग गए। खैर अब इन दोनों का साथ है तो बात भी बनेगी, और अभी तो फिलहाल केवल खुश होते हैं, बाद में जब इन्हें होश आएगा तब ये सोचेंगे कि इन्होंने क्या कर लिया। तो बात की बात हम तो अभी नहीं करेंगे, फिलहाल हम तो अभी वाला सीन एंजॉय कर रहे हैं। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।